राम राम दोस्तों, आज हम बात करांगे भारतीय ट्रेना के डिब्बे के ऊपर लिखे इन नंबरा के बारे में। तो दोस्तों, रेला पर लिखे इन नंबरा का क्या मतलब हुआ है, क्यों लिखे जाए ये रेला के ऊपर? तो दोस्तों, भारतीय रेला के ऊपर लिखे इन नंबरा का यो मतलब हुआ है कि जो ये पांच अक्षरों का यो कुल नंबर हो है, इस नंबर में थे जो पहले अक्षर हैं, जो कर मान लो किसी डब्बे के ऊपर लिखा है 98337। तो दोस्तों, पहले जो दो डिजिट हैं उनका मतलब वह है कि वो डिब्बा 1998 में बनाया गया है, जो कर इसमें 98 था तो वो 1998 में बनाया गया है। और लास्ट की तीन डिजिटा का मतलब वह है कि डिब्बा किस श्रेणी का है, स्लीपर का है या जर्नल का है या कौन सा है। तो 98 का तो मतलब हो गया कि वो 1998 में बना है। तो ईब बचा 337, इसका मतलब क्या है, वो स्लीपर श्रेणी का डब्बा है। तो दोस्तों, ईब आपके मन में आया होगा कि शुरू की दो डिजिटा का मतलब तो समझ में आया, पर लास्ट की तीन डिजिटा का मतलब नहीं समझ में आया। तो दोस्तों, इसकी खातर रेलवे ने एक श्रेणी बनाई है, उसके हिसाब से इन नंबरों का पता चला है कि कौन सा डिब्बा किस श्रेणी का है। तो दोस्तों, वह श्रेणी कुछ इस तरह है। तो दोस्तों, जो एक नंबर तय 200 नंबर तक के डब्बे हैं, मतलब वे एसी कोच के हैं, और जो डब्बे 200 से 400 नंबर तक के हैं, मतलब वे स्लीपर कोच हैं, और जो डब्बे 400 से 600 नंबर तक के हैं, वे डब्बे जनरल कोच हैं, और जो 600 से 700 नंबर तक के डब्बे हैं, मतलब वे चेयर कोच हैं, यानी चेयर कार हैं, और जो दोस्तों 700 से 800 नंबर के डब्बे हैं, वे लगेज कोच हैं, और जो दोस्तों 800 से प्लस या 800 से ज़्यादा के डब्बे हैं, वे कोच पेंट्री कोच या जनरेटर कोच हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि पेंट्री और जनरेटर कोच के हुए हैं। दोस्तों, पेंट्री कोच वे हुए हैं जिस जो रेला में रसोई हुआ है, और जनरेटर तो आप जनरेटर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। यह जानकारी आपने किसी लागी लाइक कर कमेंट करके जरूर बताइयो, और आगे भी इसी और जानकारियां खातर थारे अपने चैनल देसी टाइटल ने सब्सक्राइब भी जरूर करियो, और आप हमारे फेसबुक पेज ने लाइक भी जरूर करियो, इंस्टाग्राम पेज ने फॉलो भी जरूर करियो। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।